तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर रिक्वायरमेंट 2024 के आवेदन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 7 सितंबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है, और यहां पर देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले इसका लास्ट फी का डेट भी 7 अक्टूबर है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड और एग्जाम का डेट यहां पर जल्द ही अपडेट किया जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए पूरी जानकारी को मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 500 रुपया में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एस सी एस टी पीएच कैंडिडेट 250 रुपया में अप्लाई कर पाएंगे। ऑल फीमेल कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं 250 रुपया में आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ पे पूरी जानकारी मेंशन किया गया। पे एग्जामिनेशन फी थ्रू होगा दोस्तों, यहाँ पे पोर्टल के थ्रू होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया। इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑफलाइन यहाँ पे भरने को मिलेगा। दोस्तों इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। तो इस वीडियो में बन रही है, हम आगे बताएंगे फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर कर किस तरह भर कर कहाँ भेजना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो आपका एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 33 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नियमानुसार एज में छूट भी मिलेगा। दोस्तों 1/1/2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी के पद पर 15 वैकेंसी है। दोस्तों उसी प्रकार से ग्रुप सी के पद पर भी निकाली गई है, जिसमें ग्रुप डी वाले में 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप सी में 12वीं पास कैंडिडेट 50% मार्क वाले कैंडिडेट हैं। ग्रेजुएशन पास किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं पास में भी स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया, स्पोर्ट कोटा ट्रायल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेड दस्तावेज का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि आपको कौन कौन सी दस्तावेज लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे 1 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 10 रुपया यहाँ पे पोर्टल स्लिप वगैरह लगेगा। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेंडेंस में यहाँ पे लगेगा, यानी कि ऑल डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ पे फोटो कॉपी कराकर नीचे सिग्नेचर करना होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन के फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा दोस्तों, और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए 15 रुपया ले रहा है। तो सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आसानी से, यहाँ पे देख सकते हैं इसी साइड पर आपको आना होगा, रोजगार की खोज इस साइड पर सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से 15 रुपये में पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करने का गाइडलाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा। दोस्तों हम यह फॉर्म पिछले साल वाले बता रहे हैं, यहाँ पे लेटेस्ट फॉर्म नहीं है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे पिछले साल वाले बता रहे हैं। तो इसी प्रकार का आपको फॉर्म मिलेगा, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट साइज कलरफुल पासपोर्ट साइज प्लेन बैकग्राउंड वाले फोटो चिपकाना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भेजना होगा, सिंपली पोस्ट का डिटेल वगैरह यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आवेदन करें, ग्रुप सी या ग्रुप डी, यहाँ पे देख सकते हैं सभी पोस्ट का डिटेल यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना होगा, सिंपली अपना नेम लिखना होगा, ब्लॉक लेटर में अपना नेम लिखिए दोस्तों। उसके बाद हिंदी में आपको नेम लिखना होगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम लिख देते हैं। यहाँ पे फुल एड्रेस, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस का जानकारी मांगा जा रहा है, तो सिंपली एड्रेस का जानकारी आपको फिल करना होगा दोस्तों, परमानेंट एड्रेस का जानकारी फिल करना होगा, पिन कोड के साथ यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद आपको कैटेगरी बताना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जेंडर बताना होगा, मेल या फीमेल, नेशनलिटी इंडिया है, इधर है, यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको जानकारी देना होगा, रिलीजन बताना होगा। उसके बाद टेलीफोन या मोबाइल नंबर आपको बताना होगा दोस्तों, नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम बताना होगा। सिंपली यहाँ पे
बता सकते हैं। उसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आपको बताना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे 1/1/2025 यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ये एक साल पिछले साल वाला फॉर्म यहाँ पे 1/1/2024 दिखा रहा है आपको, 1/1/2025 मिलेगा। उससे आपका जो डेट यहाँ पे काउंट होगा दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेट कर कर ईयर मंथ और यहाँ पे डे मिलेगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दर्शाना होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके बॉडी में कट या तिल वगैरह मार्क का निशान है तो आपको 2 मार्क बताना होगा, कहाँ है नहीं है सिंपली 9 मार्क लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं जो जानकारी मांगा गया है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप ग्रुप डी के लिए भर रहे हैं तो ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए भर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जामिनेशन पासिंग किस वर्ष पास किए, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे देख सकते हैं, डिवीजन परसेंटेज आपको बताना होगा। तो इसी प्रकार से बताना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जानकारी को अपने अनुसार यहाँ पे फिल कर सकते हैं दोस्तों। सभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया, उसी प्रकार से डिक्लेरेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा दोस्तों, प्लेस किस जगह फॉर्म भरे डेट मेंशन करना होगा, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर करना होगा, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी यहाँ जो सर्टिफिकेट का फॉर्म है दोस्तों, ये सब आपको यहाँ पे भरना होगा, तो सिंपली आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार का आपको फॉर्म मिलेगा जिसे प्रिंट आउट निकलवा कर इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी जानकारी मांगा जा रहा है उसे यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपली फॉर्म को एक एड्रेस पर पहुँचाना होगा दोस्तों। आगे हम बताएंगे फॉर्म को कहाँ पहुँचाना है, उससे पहले फॉर्म में यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज को लगाना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने के बाद आपको एक लिफाफा लाना होगा और लिफाफे में फॉर्म को पैक कर देना होगा, उसके साथ जो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे बोला गया है उसे लगाना होगा दोस्तों। हम एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी दस्तावेज को, जैसे ग्रुप डी के लिए भरें तो ग्रुप डी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या ग्रुप सी के लिए भरें तो ग्रुप सी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट को आपको फॉर्म के पीछे 2 कॉपी करा कर सेल्फ स्टैंडर्ड यानी कि सिग्नेचर भी करा कर आपको लगाना होगा दोस्तों। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन इवेंट यहाँ पे देख सकते हैं 10-10 रुपये लगेगा, स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेल्फ अटेंडेंस के लिए, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट डाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, यहाँ पे आधार कार्ड प्रूफ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी दस्तावेज को लगा दीजिए फॉर्म के पीछे, और फॉर्म के पीछे सभी दस्तावेज को लगाने के बाद फॉर्म को एक लिफाफे में पैक करना होगा दोस्तों। लिफाफे में पैक करने के बाद फॉर्म को एक एड्रेस पर भेजना होगा, आगे हम बताएंगे किस तरह और कहाँ भेजना होगा दोस्तों। पोस्टमैन के सहारा लेकर या खुद से एड्रेस पर भेज सकते हैं, या फिर इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी को मेंशन किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म भेजने का एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पे इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन या खुद से यहाँ पे जाकर भेज सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लिफाफे के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर भी कर देना होगा दोस्तों, डेट मेंशन कर देना होगा और किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस यहाँ पे देख सकते हैं डेट मेंशन करना होगा, किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें पोस्ट का डिटेल भी मेंशन कर देना होगा दोस्तों। एक साइड अपने एड्रेस और एक साइड इसी एड्रेस को लिफाफे के ऊपर मेंशन कर कर यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन के सहारा लेकर आप फॉर्म भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाई स्टेप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।